वो कहते हैं ना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो सिर्फ काम होता है, जिसे अगर लगन और मेहनत से किया जाए तो इंसान क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। और इसी का जीता जागता सबूत है एडिडास और प्यूमा ब्रांड, जो आज अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी और कंफर्ट के लिए लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर के हैरानी होगी कि जिस एडिडास या फिर प्यूमा ब्रांड के प्रोडक्ट के ऊपर आप आंख बंद करके भी विश्वास कर लेते हैं, उसकी शुरुआत एक छोटी सी लॉन्ड्री से हुई थी और इसकी स्थापना जर्मनी के एडॉल्फ डसलर और रुडोल्फ डसलर ने की थी, जिनका निक नेम एडी और रूडी था। एक्चुअली एडी और रूडी दोनों ही सगे भाई थे और उनके पिता जर्मनी के एक छोटे से शू फैक्ट्री में जूते सिलने का काम करते थे और उनकी माँ भी थोड़े एक्स्ट्रा पैसों के लिए एक छोटे से कमरे में लॉन्ड्री चलाती थी। एडी और रूडी अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता के साथ ही फैक्ट्री में काम करने लगे और फिर कुछ दिनों बाद ही वर्ल्ड वार भी शुरू हो गया, जिसमें सभी युवाओं को शामिल होना जरूरी होता था और इसीलिए एडी और रूडी दोनों को बुलाया गया। कुछ सालों तक चले वर्ल्ड वार खत्म हो जाने के बाद दोनों सुरक्षित वापस घर आ गए। और दोस्तों, दोनों भाइयों को खेल में काफी दिलचस्पी थी और वे दोनों बेहतरीन खिलाड़ी भी थे, लेकिन जब भी वे अपने पिता द्वारा सिले हुए जूते पहनते तो उन्हें बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता। वे सोचते कि ऐसे जूते पहनकर कोई खेल कैसे सकता है, और इसीलिए उन्होंने अपने और अपने दोस्तों के लिए जूते बनाने शुरू किए। और जब उन्होंने देखा कि उनके द्वारा बनाए गए जूते लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने माँ के लॉन्ड्री से ही जूते बनाने का फुल टाइम बिजनेस शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके द्वारा बनाए गए जूते लोगों तक पहुंचने शुरू हो गए और फिर 1924 में दोनों ने मिलकर डॉसलर ब्रदर्स नाम का एक कंपनी खोला। लेकिन यहाँ भी उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि उन दिनों ज्यादा बिजली उपलब्ध नहीं होता था और इसीलिए उन्हें साइकिल्स के पैडल का प्रयोग करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, अगर इरादे पक्के हो तो कोई भी राह नामुमकिन नहीं होती, और यही हुआ दोनों भाइयों के साथ भी। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ता चला गया, लेकिन उनके इस बिजनेस को असली सफलता 12 साल बाद 1936 के समर ओलंपिक में मिली, जब कैसे भी करके एडॉल्फ ब्रेसलर ने उस समय के स्टार स्प्रिंटर ओवेंस को अपना जूता पहनाकर खेलने को राजी कर लिया। और पता है, उस ओलंपिक में ओवेंस ने कुल 4 गोल्ड मेडल भी जीते। इसके बाद से ही पूरी दुनिया के खिलाड़ियों के बीच डॉसलर ब्रदर्स के जूते प्रसिद्ध होते चले गए और फिर 1948 तक उनकी कंपनी हर साल 2,00,000 जूतों की बिक्री करने लगी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच दोनों भाइयों में राजनीतिक कारणों की वजह से मतभेद हो गए और फिर उन्होंने अलग होने का फैसला किया, जिसके बाद एडोल्फ ने अपनी एक नई कंपनी बनाई और उसका नाम उन्होंने अपने निक नेम और सर नेम को मिलाकर एडिडॉस रखा। और दूसरी तरफ भाई रुडोल्फ ने भी रूडा नाम की एक कंपनी खोली, जिसका नाम उन्होंने कुछ ही समय बाद बदलकर प्यूमा कर दिया। और फिर दोनों को बिजनेस चलाने का ढंग तो पहले से ही पता था, दोनों बढ़ते चले गए और फिर जूतों के अलावा भी दोनों कंपनियां बैग, शर्ट, घड़ियां, चश्मे और खेल से संबंधित बहुत सारे वस्तुओं का उत्पादन करने लगी। और आज के समय में दोनों ही कंपनियां विश्व की सबसे बड़ी स्पोर्ट्सवियर कंपनियों में गिनी जाती है। तो दोस्तों, देखा ना आपने, किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि जूते सिलने वाले के दो लड़के आज अपनी काबिलियत के दम पर हमें यह सोचने को मजबूर कर देंगे कि अगर इरादे पक्के हों तो कोई भी राह नामुमकिन नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि एडिडास और प्यूमा ब्रांड की यह स्टोरी आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और साथ ही आपको जज्बा देगी कुछ कर दिखाने का, नई ऊंचाइयों को छूने का। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।